प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9050 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन से संबंधित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को पूरा करती हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना जरूरी है। उन्होंने आज हरियाणा के विकास के लिए अस्पतालों के साथ साथ रोडवेज और रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने का भी उल्लेख किया। वहीं विकास परियोजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए प्रधानमंत्री ने एम्स रेवाड़ी, गुरुग्राम मेट्रो, कई रेल लाइनों और अनुभवात्मक संग्रहालय, अनुभव केंद्र ज्योतिसर के साथ नई ट्रेनों का उल्लेख भी किया। हरियाणा के मेरे भाई और बहनों, विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना भी बहुत जरूरी है। और हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहाँ आधुनिक सड़कें बनेगी। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहाँ रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा तभी विकसित होगा जब यहाँ बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। थोड़ी देर पहले ही मुझे ऐसे अनेक कामों से जुड़ी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हरियाणा को सौंपने का अवसर मिला। इसमें रेवाड़ी एम्स है, गुरुग्राम मेट्रो है, कई रेल लाइन है, नई ट्रेन है। इनमें ज्योतिसर में कृष्णा सर्किट योजना से बना एक आधुनिक और भव्य म्यूजियम भी है। और प्रभु राम के आशीर्वाद ऐसे है कि आजकल मुझे हर स्थान पर ऐसे पवित्र कामों से जुड़ने का अवसर मिल जाता है। ये राम जी की कृपा है। ये म्यूजियम भगवान श्री कृष्ण के गीता संदेश और इस पावन धरा की भूमिका से दुनिया को परिचित कराएगा। मैं रेवाड़ी सहित पूरे हरियाणा के लोगों को इन सुविधाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई और बहनों, इस क्षेत्र में किसानों को पानी की बहुत समस्या रहती थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए भी सराहनीय काम किया है। दुनिया की सैकड़ों बड़ी कंपनियां आज हरियाणा से चल रही है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। साथियों, हरियाणा कपड़ा और परिधान उद्योग में भी अपना नाम ऊंचा कर रहा है। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन, करीब 20% परिधान हरियाणा में ही बनते हैं। हरियाणा के टेक्सटाइल उद्योग को हमारे लघु उद्योग आगे बढ़ा रहे हैं। पानीपत हथकरघा उत्पादों के लिए, फरीदाबाद कपड़ा उत्पादन के लिए, गुरुग्राम रेडीमेड गारमेंट के लिए, सोनीपत टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए, तो भिवानी गैर बुने हुए वस्त्रों के लिए आज प्रसिद्ध है। पिछले 10 वर्षों में एमएसएमई के लिए, लघु उद्योगों के लिए लाखों करोड़ रुपए की मदद केंद्र सरकार ने दी है। इससे पुराने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ये तो मजबूत हुए ही हैं। हरियाणा में हजारों नए उद्योग भी स्थापित हुए हैं। साथियों, हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। मैं हरियाणा के फर्स्ट टाइम वोटर्स को, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जो 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, उनको विशेष रूप से कहूंगा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। टेक्नोलॉजी से टेक्सटाइल तक, टूरिज्म से ट्रेड तक,
हर सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए हम प्रयासरत हैं। आज पूरा विश्व भारत में निवेश के लिए उत्सुक है और निवेश के लिए हरियाणा एक उत्तम राज्य बनकर उभर रहा है और निवेश बढ़ने का मतलब है कि नौकरी के नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। एक बार फिर आपको एम्स के लिए, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। राष्ट्र सर्वोपरि।